ठीक है ना जी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि पूरा देश और पूरा विश्व COVID-19 के कारण ये एक ऐसी महामारी है जिसके कारण हम लोग का एक ही दवा है, सोशल डिस्टेंसिंग। और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण आपका क्लासरूम टीचिंग संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोग घर में पढ़े इसके लिए हम लोग सारी तैयारी किए हैं। स्कूल मैनेजमेंट हर एक मोमेंट आपकी चिंता कर रहा है। कल ही आपको रिजल्ट मिला और हम लोग कल से फिर क्लास शुरू कर रहे हैं। और आज हम क्लास 10 का पहला क्लास शुरू करने जा रहे हैं, क्लास 10 फिजिक्स। और क्लास 9 में आप पढ़े होंगे, क्लास 8 में और क्लास 7 में कुछ ऐसी बातें जो क्लास 10 में आज उसका यूज है। तो पहला टॉपिक हम इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लिखे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हम लोग क्लास 10 में कंसंट्रेट होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। कुछ नॉलेज भी होना चाहिए हम लोगों को, एडिशनल नॉलेज, लेकिन बेसिकली हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हमेशा सोचेंगे। आप भी उसके लिए हम लोग बहुत सा मॉडल देंगे आपको, बहुत सा क्वेश्चन देंगे टॉपिक हो जाने के बाद। इसलिए आप व्हाट्सएप पर जो ग्रुप बना है उस ग्रुप में हमेशा आप एक्टिव रहिएगा। जो टाइम स्कूल की ओर से दिया गया है उसको आप फॉलो करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी से पहले हम एक टॉपिक बता रहे हैं जो आप जानते हैं पहले से, चार्ज। तो ये चार्ज, तो हमारा पहला टॉपिक होगा चार्जेस एट रेस्ट। क्यों चार्जेस एट रेस्ट लिखे? क्योंकि यदि यही चार्ज मोशन में आ जाए, फ्लो करने लगे, तो हम उसी को करंट कहेंगे। तो करंट मिलेगा किससे? चार्ज से। और ये चार्ज रेस्ट में हो तो हम चार्ज के बारे में जानेंगे, अगर यही चार्ज मोशन में आ जाए तो फिर करंट हो जाएगा। इसलिए पहले हम चार्ज को समझें। और आप क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 7 और 8 में तो चार्ज के बारे में था। और आप जानते हैं इस बात को कि यदि हम दो इंसुलेटिंग बॉडी को रब करते हैं, जैसे ग्लास रॉड है, इंसुलेटर है, आपको पता होगा सिल्क है, वो भी इंसुलेटर है। और जब हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करेंगे, सफिशियंट एनर्जी देंगे, इतनी एनर्जी जिससे ग्लास से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर सिल्क में जाएगा। तो ग्लास क्या किया, ग्लास और ये सिल्क है, ये सिल्क है, तो ग्लास रॉड सिल्क, तो इससे इलेक्ट्रॉन जब रबिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन चूंकि आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। और ये चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो ये आपको पता है पहले से ही कि दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसका एग्जांपल आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे आप। तो इस तरह से ये चार्ज चूंकि इंसुलेटर पर आया इसलिए चार्ज मूव नहीं करेगा। और ये चार्ज जब मूव नहीं करेगा तो इस चार्ज का नाम क्या होगा, चार्जेज एट रेस्ट। अब हम लोग इस चार्ज जब रेस्ट में आया
तो अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, हम लोग केवल दो प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। पहला तो आप लोगों को क्लास 9 में हम बताए थे वेक्टर और स्केलर, तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होगा, एक पहली प्रॉपर्टी हुई। जैसे देखिए, यदि हम 5 कूलम चार्ज ले और फिर -3 कूलम चार्ज ले, तो इसकी एडिटिव नेचर के कारण 5 कूलम प्लस -3 कूलम इक्वल टू, सिंपल एल्जेब्रिक प्रोसेस से हम कह सकते हैं 2 कूलम हुआ। तो ये एडिटिव नेचर है, इसमें स्केलर क्वांटिटी की तरह हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। ये चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है कि चार्ज स्केलर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको कहते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहले आप जानेंगे कि व्हाट यू मीन बाय क्वांटाइजेशन, क्या होता है क्वांटाइजेशन। एक नया टर्म आया आपके सामने, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइज्ड हुआ। क्वांटाइज्ड का मतलब समझने की भाषा में हम कहेंगे एक ग्रुप ऑफ, एक बंडल, बंडल ऑफ चार्ज। तो ये बंडल ऑफ चार्ज है, तो इस बंडल ऑफ चार्ज में होगा क्या? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, मान लेते हैं कि इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम क्यू से रिप्रेजेंट करें। तो इस चार्ज, या इस चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फंडामेंटल चार्ज, बेसिक चार्ज कहते किसको है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इस तरह से इस चार्ज में इंटीग्रल मल्टीपल, तो एन होगा, एन मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल हुआ, इंटीग्रल नंबर हुआ एन। और अगर हम प्लस का यूज करते हैं तो ये प्रोटॉन के लिए हुआ, यदि माइनस का यूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ। और ई अक्सर हम लोग इलेक्ट्रॉन के लेते हैं, लेकिन यहां पर प्लस ई प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस ई इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको, पहला फॉर्मूला मिला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, ये पहला फॉर्मूला मिला। इसको हम क्या कहेंगे, ये चार्ज है, टोटल चार्ज हुआ, और ये इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीग्रल नंबर है, और ये प्लस ई क्या बताएगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और माइनस ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से यदि हम बहुत सारे प्रॉब्लम हम बना सकते हैं। एनसीईआरटी में पहला ही क्वेश्चन होगा कि फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, कैलकुलेट लिखा हुआ है उसमें। ऐसा हम देखे हैं कि कैलकुलेट से आप कैलकुलेट नहीं करते हैं, आप याद कर लेते हैं कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे सेकेंड पेज में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट का मतलब कैलकुलेशन करना होगा, तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग देखिए, इस कैलकुलेशन के लिए जैसे आप पूछा गया कि फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एन आप नहीं जानते हैं, निकालना है इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो क्यू हमारे पास कितना है, 1 कूलम, फाइंड आउट क्यू हमको निकाल मालूम है, एन हमको निकालना है, और आप ई जानते हैं। आज फिर जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये माइनस ई इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका वैल्यू क्या होता है, -1.6 into 10 to the power -19। और जानते हैं आप
कि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, कूलम्ब हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यह क्वेश्चन आप पहले से जानते हैं, इसका आंसर कूलम्ब चार्ज का यूनिट है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप याद रखेंगे हमेशा -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, और ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो 1.6 सेम चार्ज मैग्नीट्यूड होता है, केवल एक पॉजिटिव है तो प्रोटॉन होगा और एक नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन था n निकालना, तो n इक्वल टू क्या होगा, -Q/E। क्या इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए, n इक्वल टू -Q/E है, तो माइनस लिखे, क्यू वन कूलम्ब है, वन कूलम्ब लिख देंगे हम यूनिट के साथ, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। अक्सर देखा गया है कि आप अगर यूनिट नहीं देते हैं गलती हो जाती है, तो अगर आप यूनिट देखकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो यूनिट भी सॉल्व हो जाएगा, यूनिट में गड़बड़ी नहीं होती है। बोर्ड में अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो अगर दो नंबर का क्वेश्चन है तो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, एग्जामिनर एक मार्क्स भी डिडक्ट कर सकते हैं, इसलिए माइनस माइनस कैंसिल होगा और ये आपका सॉल्व करने पर आपको ये आएगा वैल्यू 6.25 × 10⁻¹⁸। कोई यूनिट नहीं है क्योंकि नंबर है, आप जानते हैं नंबर में कोई यूनिट नहीं होता है। अब आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी हालत में अगर कहा जाए कैलकुलेट, तो आप निश्चित रूप से इस तरह के प्रोसेस को सॉल्व करके ही उसका आंसर लिखेंगे, ना कि ऐसा लिखेंगे कि वी नो दैट आंसर इज 6.25 × 10⁻¹⁸। ये गलत प्रोसेस होगा, और आपको अगर दो नंबर का ये क्वेश्चन होगा तो आपको इसमें हाफ मार्क्स से एक मार्क्स भी कट जाएगा। इसलिए आप कभी भी ऐसा ना करेंगे, जब भी आप करेंगे तो सॉल्व करके करेंगे, इससे बेनिफिट आपको मिलेगा। कि मान लेते हैं पूछा गया कि बताइए कि 10 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप ऐसा कभी नहीं करेंगे कि एक कूलम्ब में इतने इलेक्ट्रॉन तो 10 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये गलत होगा, यूनिटरी सिस्टम यूज नहीं करेंगे हम, तो सॉल्व करेंगे। अगर 10 कूलम्ब पूछे तो क्यू 10 होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कोई बदलेगा नहीं, बस हो गया। क्यू मालूम है, ई मालूम है, अगर हम इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लगाएंगे, और अगर प्रोटॉन निकालना हो तो प्लस लगा देंगे। इस तरह से हम लोग एक कूलम्ब में या चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कितने प्रोटॉन्स होते हैं यह हम पता लगा सकते हैं। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हुआ। इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आप जाने। क्यों हम रवि किए इंसुलेटिंग बॉडी पर, क्योंकि इंसुलेटर है, चार्ज जब इलेक्ट्रॉन ग्लास से निकलकर सिल्क में जाएगा तो दोनों इंसुलेटर है, इसलिए चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए हम लिखे टॉपिक ये चार्ज रेस्ट में था। और ये इस तरह इसकी प्रॉपर्टी हम दो बताए, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ये हम आप जाने। क्लियर है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका एनसीईआरटी टॉपिक में पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन आपको चार्ज बताया गया क्योंकि इसकी सहायता से ही हम इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट में पहले आप जानेंगे कि देखिए, सबसे एक बेसिक बात आप जाने, जो फिर हायर क्लासेस में भी थोड़ा आप जानेंगे, और सिंपल सी बात है, देखिए करंट आपको मालूम है कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर एलॉयज, ये सब हमारे पास मटेरियल्स हैं। तो अगर हम कंडक्टर की बात लें तो सपोज करते हैं कि ये कंडक्टर है, कॉपर है, सिल्वर है, बेस्ट कंडक्टर है। फिर आगे हम टॉपिक को बताएंगे कि क्यों कॉपर, क्यों सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है एज कंपेयर टू कॉपर, कॉपर क्यों बेस्ट कंडक्टर है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम, ये अगले टॉपिक पे हम बताएंगे। फिर तो इस तरह से एक कंडक्टर हम लिए, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, होगा
प्रोटॉन होगा, निश्चित रूप से होगा। ये बॉडी न्यूट्रल है, अभी इसमें नेट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज जीरो है। और जब हम करंट बताएंगे आपको, आप जानते भी हैं, कुछ क्लास एट में पढ़े हैं आप, फ्लो ऑफ चार्ज, नेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज जब फ्लो करेगा तो करंट मिलेगा। तो इस कंडक्टर में क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं? है, प्रोटॉन भी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। और क्या इसका मूवमेंट है? हाँ, मूवमेंट है इसका। देखिए, देयर आर सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन मूवमेंट ड्यू टू थर्मल इनर्जेटिक मोशन। थर्मल इनर्जेटिक मतलब एटमोस्फियर, ये कंडक्टर जब एटमोस्फियर में है तो एटमोस्फियर का टेम्परेचर, मान लेते हैं रूम में आप रखे 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर के कारण वो एक और कंडक्टर है। कंडक्टर करंट का भी कंडक्टर है और हीट का भी, वो हीट गेन किया और फिर वो इलेक्ट्रॉन इनर्जेटिक हो गया। अब वो अनकंट्रोल्ड हो गया, देयर आर रैंडम डायरेक्शंस ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ये रैंडम डायरेक्शन में आ गए। और इस इलेक्ट्रॉन के रैंडम डायरेक्शन में आने के कारण सारे इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना मोशन है, लेकिन करंट हमको मिला नहीं, जबकि डिफिनेशन क्या कह रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एक शब्द उसमें हम लगाएंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ फ्लो नहीं, रेट ऑफ नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर हम करंट को मेजर करने का डिवाइस लगा दें तो करंट जीरो होगा। तो ये मोशन में है फिर भी करंट जीरो है, इसका कारण क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जब रैंडम डायरेक्शंस में थे तो ये सब एक दूसरे से कोलाइड किए और नेट मोशन क्या हो गया, जीरो। जब इसका नेट मोशन जीरो हुआ तो फिर रेट ऑफ नेट फ्लो जीरो हुआ, और रेट ऑफ नेट फ्लो जीरो होने से क्या होगा, करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब हम यदि इस इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में ले आते, एक डायरेक्शन में ला ले आते जिससे कि कोलिजन नहीं होगा, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक रैंडम डायरेक्शन से एक सर्टेन डायरेक्शन में आ जाता। अब सर्टेन डायरेक्शन की बात कैसे हम करें, सपोज करते हैं, अभी आगे भी बताएंगे, एक बैटरी लगाते हैं, एक सेल लगाते हैं या बैटरी लगाते हैं, पता है क्या, ये प्लस है और ये माइनस है, ये एक प्लस हुआ और ये माइनस हुआ। अब इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिव है तो वह निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा। अब ये जो रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब इस एनर्जी, क्योंकि आप जानते हैं कि बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है और वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो ये वह इलेक्ट्रिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिला और सारे इलेक्ट्रॉन सब एक डायरेक्शन में आ गए। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अलाइंड अलोंग द डायरेक्शन जस्ट फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव नेचर के कारण हमेशा माइनस से प्लस टू हो जाएगा। अब देखिए, इससे पहले वाले फिगर में क्या देखे आप, ये सब रैंडम डायरेक्शन में था, अब ये किस डायरेक्शन में आ गया, एक सर्टेन डायरेक्शन में आया। जब ये एक सर्टेन डायरेक्शन में आया, अब इसका एक नेट मोशन हुआ और नेट मोशन होने से फिर इंटरनल आ गया। हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसके अंदर प्रोटोन भी है, वो इसको डिस्टर्ब करेगा, फिर हम अगले टॉपिक में बताएंगे इस बात को। आज केवल जाने कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में आया और इस एक डायरेक्शन में आने से अब इसका एक नेट मोशन हुआ, और नेट मोशन होने से अगर हम इसमें करंट को मेजर करने का डिवाइस लगा दें तो निश्चित रूप से हम करंट को मेजर कर सकते हैं। इस तरह से हम देखें कि बिना किसी बैटरी लगाए हुए, बैटरी में आप जैसा आप बताया और आप जानते भी हैं, इसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है और ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, वो एनर्जी लेकर ये इलेक्ट्रॉन इनर्जेटिक हो गया और ये डायरेक्शन एक डायरेक्शन में अरेंज हो गया, अलाइंज कहते हैं इसको, सर्टेन डायरेक्शन में, और वो भी डायरेक्शन फिक्स है माइनस से प्लस की ओर। इस तरह से नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को आप समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में यदि हम कहें कि यदि हम एक क्रॉस सेक्शन ले लें, ये क्रॉस सेक्शन है, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप मैथ में भी पढ़े होंगे, जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर से बनाए हैं हम,
तो इस पूरे सिलेंडर का अगर हम एरिया लें, अगर इसका लेंथ हमको मालूम हो और रेडियस मालूम हो, तो कहते हैं 2 पाई आर इनटू एल, ये पूरे सिलेंडर का होगा। लेकिन जब एरिया क्रॉस सेक्शन की बात होगी, आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, इसको कहते हैं पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ, इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से देखिए ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में निकलेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग चार्ज लेते हैं क्योंकि ये करंट का कैरियर इलेक्ट्रॉन ही है, इसलिए बेसिकली बुक में आप देखेंगे चार्ज है। फिर बुक को आप आगे पढ़ेंगे उसमें तो आपको मिलेगा कि वो चार्ज कैरियर कौन है इलेक्ट्रॉन के, करंट के लिए चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास किया, इसमें जो समय लगा इसने रेट कर दिया। नाइन्थ में पढ़े होंगे जैसे हम वेलोसिटी पढ़ाए थे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या मतलब हुआ? डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। उसी तरह से यहां पर हुआ रेट ऑफ फ्लो, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो। तो अगर हम करंट को आई से रिप्रेजेंट करें और चार्ज को जो फ्लो हो रहा है उसको क्यू से रिप्रेजेंट करें, और इस फ्लो में जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पास करते हुए जो टाइम लगा उसको हम टी से रिप्रेजेंट करें, तो रेट आ गया टाइम आई इक्वल टू क्यू बाई टी, और ये आपके करंट का डेफिनेशन हुआ आई इक्वल टू क्यू बाई टी। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हुआ, मैथमेटिकल फॉर्मूला हुआ करंट, इलेक्ट्रिक करंट का आई इक्वल टू क्यू बाई टी। जैसा आप देखे कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो पता लगा सकते हैं अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, मान ले कितना इलेक्ट्रॉन निकला, तो क्यू को अभी हम बताए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में माइनस एन ई बाई टी, अभी बताए क्यू का फॉर्मूला ये हुआ माइनस एन ई बाई टी। यदि आपको मालूम हो कि आई का वैल्यू 2 एम्पियर है, 10 सेकेंड तक करंट फ्लो हुआ, आप चार्ज के वैल्यू को जानते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या वैल्यू है चार्ज का, तो एन आप निकाल सकते हैं, तो इससे पता चलेगा कि एन इस 2 एम्पियर करंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ये सब पता लगा सकते हैं आप कि कितना करंट आपको मिला। तो इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? आप अभी पढ़े क्यू के लिए आपको बताया एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, और टाइम के लिए पढ़े आप जानते हैं पहले से आप सेकेंड होता है, इस तरह से कूलम्ब पर सेकेंड, ये इसका एसआई यूनिट है। लेकिन करंट एक फेमस साइंटिस्ट के द्वारा इसका इन्वेंशन हुआ, इसलिए जैसे हम पढ़ते हैं न्यूटन है उसका क्या केजी मीटर सेकेंड माइनस टू, क्लास नाइन से पढ़े हैं ये ऑल आर फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं ज्यादा फेमस है न्यूटन। उसी तरह कूलम्ब पर सेकेंड, ये भी टेंथ के एग्जाम में पूछा जाता है अल्टरनेटिव यूनिट ऑफ एम्पियर, तो कूलम्ब पर सेकेंड को हम एम्पियर कहेंगे, इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कूलम्ब पर सेकेंड और एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो इलेक्ट्रिक करेंट कैसे मिला, क्यों हम इसमें बैटरी लगाए, बैटरी नहीं लगाते तो क्या इलेक्ट्रॉन मोशन में होता? हाँ मोशन में होता। ये मोशन कैसे होता? एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर लेकर वो एनर्जेटिक होता और उस एनर्जी से वो मोशन में होता, लेकिन रैंडम डायरेक्शन में होता, तो बैटरी लगाकर इसको एक सर्टेन डायरेक्शन मिलेगा, और तब हम इसके यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कराए जितना चार्ज पर यूनिट टाइम हम करेंट करते हैं। इस करेंट को हम इस फॉर्मूला से भी सॉल्व करके दिखाए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस करंट में है, और इसका ये एसआई यूनिट होगा, और हम इस एसआई यूनिट से फॉर्मूला, अगर आपको मालूम है क्यू का वैल्यू मालूम है, आई का वैल्यू मालूम है, क्यू निकल सकता है, इसमें तीन क्वांटिटी है,
दो का वैल्यू मालूम हो तीसरा निकल जाएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थ्योरेटिकली आप जाने कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब हम अगले टॉपिक में आते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोड्स। अभी आप देखिए जब हम एक बैटरी जब लगाए हैं तो आपको मालूम है कि प्लस से माइनस क्यू अगर करंट का फ्लो होगा तो प्लस से माइनस क्यू होगा, ये करंट है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखिए, ये करंट का फ्लो है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? माइनस से प्लस क्यू, और करंट किधर जा रहा है? प्लस से माइनस क्यू। इसको कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो करंट का डायरेक्शन है कन्वेंशनल है। देखिए प्रोटॉन का कोई मोशन नहीं होता है, उसका मास आप जान लेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना चाहिए आपको, काम आएगा, -31 केजी। और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 10^-27 केजी। अब आप सोच सकते हैं लगभग 10,000 गुना 10,000 टाइम्स प्रोटॉन हेवियर है इलेक्ट्रॉन से। और ये भी आपको मालूम है कि ये न्यूक्लियस के न्यूक्लियस में होता है, और ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट की हम बात करते हैं जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं। तो इस तरह से प्रोटॉन, लेकिन कहा जाता है कन्वेंशनल शब्द लगा है, इमेजिनेशन की हाइपोथेटिकल शब्द लगा है कि प्रोटॉन का जो हाइपोथेटिकल कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है। तो जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन हाइपोथेटिकली कन्वेंशनली प्रोटॉन का डायरेक्शन किधर होगा? प्लस से माइनस की ओर। तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा? प्लस से माइनस की ओर। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा? माइनस से प्लस की ओर। तो याद रखेंगे बराबर कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा करंट के अपोजिट होता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा, करंट पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा। बेसिक कंसेप्ट आपके क्लास के लिए है कि यह हाइपोथेटिकल कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है। बुक में आप पढ़ेंगे आपको मिलेगा, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, हर एक पेज को पढ़िएगा एनसीईआरटी को, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो इस तरह से हम लोग करंट के डायरेक्शन को जाने, विच इज जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से ये दोनों करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जस्ट इसके एक दूसरे के अपोजिट होता है। देखिए जा।